नागपुर शहर अध्यक्ष एवं विधायक विकास ठाकरे के मार्गदर्शन में आज नागपुर शहर के शताब्दी चौक रिंग रोड पर नायलॉन वांजा से गला कटने जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बेल्ट वितरित किए गए। आने वाले मकर संक्रांति के पर्व पर कोई भी व्यक्ति नायलॉन वांजा का प्रयोग न करे, ऐसी अपील मनीष चांदेकर पर्यावरण प्रकोष्ठ नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व नगर सेवक मनोज गावंडे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रितेश आहिर पुलिस अमलदार मोन मंगेश रबाले उपस्थित थे। इस उपक्रम में मुख्य रूप से विलास राउत शिशिर विल्सन जितेंद्र खंडागिरी सहित अन्य एवं आने जाने वाले दुपहिया वाहन चालकों ने भी स्वेच्छा से सहयोग दिया। सभी नागपुर वासियों को मकर संक्रांति की शुभेच्छा देते हैं। मैं नागपुर शहर अध्यक्ष पर्यावरण सेल नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी हम लोगों ने पर्यावरण के माध्यम से नायलॉन का विरोध करते हुए नायलॉन मांझे का विरोध करते हुए प्लास्टिक पतंग का विरोध करते हुए हमने एक स्लोगन दिया है नायलॉन मांझा हम यूज नहीं करेंगे, से नो टू नायलॉन मांझा। हमने ये एक बेल्ट बनाया जैसा आप देख रहे हो, हमने टू व्हीलर सवारी वालों के लिए बेल्ट बनाया है। अगर उनका पतंग से गला कटने की आशंकाएं रहती है ज़्यादा करके, जैसा चाइनीज मांझा यूज़ हो रहा है नागपुर शहर में, उसको ध्यान में रखते हुए हमने दो चाकी समान वाहन चालकों के लिए ये हमने बेल्ट बनाया हुए ताकि मांझे से उनका गला सुरक्षित रह सके और इसी प्रकार से उन्हें हानि ना हो। सबसे पहले तो हमने मांझे का विरोध किया है, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि जो भी नायलॉन मांझा अवैध रूप से बिक्री कर रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए और जो दोषी अधिकारी है जो साठगांठ करते हैं उनको निलंबित किया जाए। तो मैं सभी नागपुर वासियों से विनती करता हूँ कि वे अपनी गाड़ी देखकर चलाएं, मांझे को ध्यान रखें, पतंग का ध्यान रखें, कहीं आपको अनहोनी घटना दुर्घटना ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। मैं मनीष चांदेकर नागपुर शहर अध्यक्ष पर्यावरण सेल की तरफ से कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी को मकर संक्रांति की शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।